नमस्कार, E2E क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए सीटेट सीरीज का नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए और किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, यानी कि पैटर्न क्या था, उसको लेकर आए हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसका भरपूर फायदा लीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है बहुत जल्द आने वाला है और आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिले, उनको भी आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने एक एनालिसिस किया है, हमारी टीम ने मेहनत करके ये आपके सामने एक एनालिसिस किया है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पेपर वन में 15 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। आप अगर 2011 से लेकर 2023 तक की बात करें तो इन्हीं टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है मैथ का, वो होता है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पत्ती। आप जैसा देख रहे हैं जनवरी 2023 5 प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ नंबर सिस्टम से। इसी प्रकार जनवरी 2023 में 4 प्रश्न, दिसंबर 2022 में 4। आप हर साल का देख सकते हैं एनालिसिस कि कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे अधिक जो है नंबर सिस्टम से ही पूछे गए हैं। तो नंबर सिस्टम को आप जितने बेहतर तरीके से करेंगे तो मार्क्स गेन करने में आपको आसानी होगी। जितने भी प्रश्न इससे पूछे जाएंगे आपको छूटने नहीं जा रहा है अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाए तो आप पहले 5 क्रमागत संख्याओं को मान लीजिए। तो मानने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली संख्या को हम x मानते हैं, और क्रमागत कहने का मतलब क्या है कि लगातार संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। इसी प्रकार ठीक इसके आगे वाली संख्या, तो इसमें एक जोड़िए तो x प्लस 2, फिर इसके आगे की संख्या x प्लस 3 और इसके आगे की संख्या x प्लस 4। अब इनका योग जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि 20 है, तो सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 20। अब इसे हम हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका क्या है कि जो चर मान है यानी कि वेरिएबल जो है उसको एक तरफ रखना है, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहां आप देखेंगे कि x जो है 5 बार आ रहा है, तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 5x, और प्लस जब नंबर्स को ऐड करेंगे यानी कि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और प्लस 4 10, तो 5x प्लस 10 इक्वल टू हमें मिलता है 20। अब यहां से हम 5x इक्वल टू लिख सकते हैं 20 माइनस 10, घटाने पर 10, और x का जब वैल्यू निकालेंगे हम तो 10/5 2। अब x का वैल्यू मिल गया हमें, तो x का वैल्यू अगर मिल गया तो आपको पांचों जो संख्याएं हैं वो भी मिल गई, यानी कि पहली जो संख्या है वो है 2, दूसरी 2 जोड़ 1 यानी कि 3, फिर 4, 5 और 6, आप इन्हें जोड़कर देख सकते हैं आपको 20 मिलेगा। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3 और 4। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 और 4 9, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप सावधानी पूर्वक हल करें, आपको एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी की एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। अगर हम दाहिने तरफ से कहते हैं तो रूही जो है वह 19वें स्थान पर है, और अगर बाएं तरफ से भी अगर हम काउंट करते हैं तभी भी ये 19वें स्थान पर है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं।
तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप 19 और जोड़ 19, जोड़ने के बाद उसमें से एक घटा दीजिए। अब ये एक क्यों घटता है वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे तरीके में। तो 19 38, 38 में से गया 37, यानी कि 37 स्टूडेंट थे। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप बेसिक अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, अगर यहाँ से बाएं तरफ से हम जोड़ें तो रूही का जो स्थान है वह है 19वां, और इस तरफ से भी दाहिने तरफ से भी 19वां है। अगर हम यहाँ एक बॉर्डर लाइन दे दें तो इधर से 19 विद्यार्थी हैं लेकिन इधर हो गए आपको 18, तो 19 और 18 37, कक्षा में कुल 37 विद्यार्थी उपस्थित हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये रीजनिंग से रिलेटेड है, लेकिन नंबर सिस्टम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि 17,863 पाने के लिए यहाँ पर तीन नंबर आपको दिए गए हैं कि योग में से क्या घटाना होगा। तो इस तरह के आसान प्रश्न भी पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से। अब इसे हल करने के लिए हम करेंगे क्या, हमें पाना कितना है तो 17,863 इनके योग में से, तो इनके योग में से क्या घटाना है तो पहले इनको जोड़ना होगा। तो 8,888 और 8,808, अब इन्हें आप ऐड कीजिए। तो 8 × 24 की 4, हाथ में 2, 8 और 2 = 10 की 0, हाथ में 1, 8 और 1 = 9 और 8 × 24, तो इनका जो योग मिलता है यानी कि सम 24,904। अब हमें पाना कितना है तो 17,863, तो पाने के लिए हमें कितना घटाना होगा इसमें से, तो 24,904 में से आप 17,863 को घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, और 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ तो 1 में से 1 बचा 0, तो 7,041 यानी कि 7,041 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा इनके सम में से ताकि आपको इतना मिले। तो इस तरह के आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप सावधानी पूर्वक हल करें और एक नंबर उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। कोई एक नंबर है जो अपने बारे में बोल रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक मतलब लगातार, अभाज्य प्राइम नंबर्स। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज, गुणज कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल। 3 और 4 का गुणज, पहला गुणज हो जाएगा 12, उसी तरह दूसरा गुणज 24, तो संख्या क्या है। अब यहाँ पर जो है इसको आप जो है ऑप्शन के जरिए भी हल कर सकते हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ देखिए ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इस ऑप्शन में भी दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है आपका एक अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही भाज्य है, तो ये सी ऑप्शन तो आपका कभी हो ही नहीं सकता है। तीसरे ऑप्शन में भी क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि लगातार आने वाली अभाज्य संख्या। फिर कहा जा रहा कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, चाहे तो 12 होना चाहिए या 24 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए आप 12, 3 और 2 = 5, कभी होगा ही नहीं 3 और 4 का गुणज। इसी तरह 5, 3, 8, 4 का तो गुणज है 8, लेकिन 3 का गुणज नहीं है। 1 और 3, 4, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसी प्रकार हम लोग जब डी ऑप्शन की बात करें तो 5 और 7 हमें मिलता है 12, जो कि 3 और 4 का गुणज है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि क्रमिक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो जो लगातार अभाज्य संख्याएं आती हैं। लगातार कहने का मतलब कि 2 और 3 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5, 5 और 7। फिर इस प्रश्न में आपको एक चीज और जानने को मिला होगा
कि एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य, न कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर। तो कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर रखिए और इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल करके आगे बढ़ते रहिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4। तो अगर हम लोग इसको जो है एक डायग्राम के जरिए अगर हल करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। कहा जा रहा है 5 अंकों की संख्या, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 और 5 अंक। यहां पहला जो स्थान होता है वो कहलाता है इकाई स्थान, फिर दहाई, सैकड़ा, चलिए इसे हम मेंशन कर देते हैं इकाई स्थान, यह दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब जैसे जैसे आपको कहा जा रहा है वैसे वैसे आप नंबर को उसके स्थान पर बैठाते जाइए। दहाई के स्थान का अंक 8 है, दहाई का अंक जो है 8, एक नंबर आपका फिल हो गया। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। अगर इकाई के स्थान की अंक की बात करें तो दहाई का 1/4, जब 8 का हम 1/4 लेंगे तो यह हमें देगा 2, तो इकाई का स्थान भी आपका फिल हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हजार के स्थान का अंक 0, तो हजार के स्थान के अंक को हम लोग 0 बैठा देते हैं। सौवें यानी कि सैकड़ा, सौवें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, तो सैकड़ा स्थान यहां है, इकाई के स्थान का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना होता है 4। 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है, तो इकाई का स्थान का अंक 2 है और 10,000 का जो स्थान है वह इसका 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना 6। आपका जो नंबर है यही है 60,482। अब देखिए ऑप्शन में आपके पास है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित होने चाहिए, मतलब 1 भी शामिल हो और 10 भी, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। कहने का अर्थ क्या है, 1 से भी विभाज्य हो, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और चलते चलते 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो, तो वह कौन सी संख्या होगी। तो इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 10 तक इनका एलसीएम निकाल लेना है। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वही नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो पहले हम लोग 2 से काटते हैं, तो 1 बार 2 कटा, 3 रह जाएगा, 2, 5 या 3 बार में 7, 4 बार में 9 और ये 5 बार में। अगली बार हम इसे फिर से 2 से विभाजित करते हैं, तो 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, अब यहाँ 2 बार में और 9, 5। अब हम इसे 3 से काटते हैं, तो 1, 1, 1, 1, 5 तो रह ही जाएगा, यहाँ 1 बार में 3 से और 7, 2, 3, 9, 5। अब देखने में आ रहा है कि 5 2 बार है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो यहाँ 5 से 5 को विभाजित किया, 1, 7, 2, 3 और 1। अब यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं आ गई हैं, तो इसको आप यहीं आप छोड़ सकते हैं। नियम एलसीएम का क्या है कि नीचे में जो है वो 1, 1, 1 आ जाना चाहिए, एलसीएम आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अभाज्य संख्याएं भी आ जाए, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि सह अभाज्य जिनका एलसीएफ 1 हो, तो एलसीएम आपका खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन्हें गुना करने पर क्या मिलता है, तो यहाँ हम इससे गुना कर लेते हैं, तो 2 गुने 2 कितनी बार है आपके पास, 1, 2 और यहाँ 1, 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कितनी बार है, तो 1 बार 3 और 1, 2 बार 3, तो 3 गुने 3
पांच कितनी बार है, तो एक बार, और सॉरी पांच और सात है आपके पास एक बार। अब इसको हल करने पर आपको क्या मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसे हम गुना करते हैं, तो पांच दूनी दस, अब यहां से सात इक्कीस और इक्कीस तिरसठ, और तिरसठ गुने चार 63 इंटू फोर और इंटू टेन, तो चार तीय बारह की दो हाथ में एक, छः चौके चौबीस और एक 25 और गुने दस यानी कि 2520। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 2520 ही वो नंबर है जो एक से लेकर दस तक इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 का घन है, तो उसके पास 5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या क्या है। कहने का मतलब है कि अगर उसके पास ₹5 के सिक्के हैं और ₹10 के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या कही बताई जा रही है कि 25 है, लेकिन जो वैल्यू है उसका जो जोड़ने पर आएगा धन वह है ₹160। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अगर हम लोग मान लें कि ₹5 के सिक्कों की संख्या x है और ₹10 के सिक्कों की संख्या y है, ये हम संख्या मान लेते हैं सिक्कों की संख्या। अब इधर जो है हम लोग वैल्यू मान लेंगे, इसका जो मान होगा वह, क्योंकि दोनों ही चीजें दे रखी है यहां पर, सिक्कों की संख्या 25, अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो x जोड़ y बराबर 25। यहां ये समीकरण एक है, लेकिन जब वैल्यू की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ₹5 के सिक्के x हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5x। इसी प्रकार ₹10 के सिक्के y हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10y। अब वैल्यू में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एक छोटा सा एग्जांपल से इसे समझिए, अगर मान लिया जाए आपके पास तीन ₹5 के सिक्के हैं, तो वैल्यू कितना हो गया, तो 3×5=15। अगर चार ₹5 के सिक्के हैं, तो 4×5=20। इसी तरह ₹10 के सिक्के अगर मान लिया जाए आपके पास आठ है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10×8। तो वही हमने यहां किया है, एक सिक्कों की संख्या है और वैल्यू कितना है 5, तो सॉरी कितने के सिक्के हैं 5 के, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5×1। अब इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा समीकरण वह कुछ इस प्रकार आएगा, 5x + 10y और बराबर 160। यह है आपका समीकरण दो। अब यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, आप इसे कितने तरीकों से हल कर सकते हैं, तो इन्हें हल करने की चार विधियां हैं, तो चारों में से किसी एक को आप अपना सकते हैं। चलिए हम इसे हल करते हैं, x + y = 25 है। अब यहां से हम 5 को कॉमन लेकर उधर भेज सकते हैं, तो 5 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x और प्लस 2y होगा, और 5 से 160 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5×15 1×5 = 10। तो ये जो समीकरण निकल कर आएगा यह आएगा x + 2y = 32। इसे हम समीकरण तीन मान लेते हैं। अब चलिए इन दोनों समीकरण को हल कीजिए आप। तो हल करने के लिए चलिए जगह का थोड़ा सा क्राइसिस है, उस बॉक्स में हम इसे हल करते हैं। चलिए x + y = 25 और x + 2y = 32, इसे आप घटाइए, तो घटाने पर क्या होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये x x कैंसल, -2y + y - y और =32 - 25 - 7, माइनस माइनस कैंसल, यानी कि y का जो वैल्यू हुआ, यानी कि ₹10 के सिक्कों की संख्या कितनी है 7, तो ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ₹5 के सिक्कों की संख्या, तो x + y का वैल्यू 7 = 25, तो x का जो मान होगा 25 में से 7 को आप घटा दीजिए यानी कि 18, तो x
जो है यानी कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है 18 और 10 रुपए की सिक्कों की संख्या है 7। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। तो जिस तरह से नंबर सिस्टम के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही लॉजिक वाले और बहुत ही आसान होते हैं। आप इस वीडियो को देखकर नंबर सिस्टम से जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका फायदा उठाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी जो टॉपिक्स हैं हमने चैप्टर वाइज ये सीरीज बनाया है तो और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, आप इन सब चीज का ध्यान रखिएगा। सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न दिया जाता है तो उसमें नहीं अगर दिया जाए तो आप उसे गौर ध्यानपूर्वक हल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर चुके हैं कि अच्छा नहीं तो हमने देखा ही नहीं है, जो सही है उसे टिक मारकर वो आ जाते हैं और नंबर खो देते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि सही कौन सा नहीं है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक, सही बात है, अभाज्य संख्याएं जो है अनेक है, अनगिनत है, ये कथन सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा ही है कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं वह संख्या, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, तो एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 4 है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो सम संख्या है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा जा चुका है। चौथा ऑप्शन है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। अभी मैंने डिस्कस किया कि 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, तो इस 2 के कारण ये जो आपका स्टेटमेंट है यह सही नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। फिर कहा जा रहा कि आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे, तो जितनी भी ट्रीज हैं, पेड़ हैं, तो उसमें आधे अशोक के पेड़ हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं, जो बाकी जो बच गए, या 1/6 भाग नीम, आधे अशोक के और जो बच गए हैं वो यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? आपको बताना है कि कितने यूकेलिप्टस के वृक्ष। तो अगर हम लोग मान ले कि बाग में कुल वृक्ष जो है, कुल वृक्ष अगर हम x मान ले, तो नीम के पेड़ की, नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है? 5, लेकिन कहा जा रहा कि कुल वृक्ष का 1/6 भाग। तो प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने भी पेड़ है उनका 1/6 भाग नीम का है, यानी कि नीम के पेड़ 5 है, तो कुल वृक्ष कितने हो गए? तो x का जो मान होगा 6 × 5 = 30, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके कुल वृक्षों की संख्या निकाल सकते हैं। अब कहा जा रहा आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो जब 30 पेड़ हैं, नीम के हो गए 5, अशोक के आधे, तो 30 का आधा 15, तो कुल मिलाकर 20 जो वृक्ष हैं यह नीम और अशोक के हैं। तो यूकेलिप्टस के जो वृक्ष मतलब हो जाएंगे वो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल 30 में से आप 20 को घटा दीजिए, ये आपके यूकेलिप्टस के होंगे, 10 वृक्ष जो है यूकेलिप्टस के होंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार से किया है। 16 × 25, 16 को ही 2 भागों में तोड़ दिया, फिर 25 को भी उसने 2 भागों में तोड़ दिया। अब क्या है कि इसको उलट फेर करके अपनी सुविधा के लिए 8 × 5 और 2 × 5 कर दिया, तो 8 × 5 = 40 और 2 × 5 = 10,
इस प्रकार से दोनों को गुना करने पर 400 मिलता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? तो यह जो नियम है यह साहचर्य नियम कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो संख्याओं को हम लोग किसी भी क्रम में गुना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि 4 × 3 तो हमें मिलेगा 12। यहां अगर 3 × 4 भी यदि किया जाए फिर भी आपको 12 ही मिलेंगे। तो क्रम को है इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सही आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा ने डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पत्र की भार की अगर बात करें हम लोग तो 20 ग्राम या उससे कम हो तो 5 रुपए लगेंगे, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए आपको 2 रुपए अलग से लगेंगे। इसी प्रकार पार्सल की अगर बात की जाए तो 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपए लग रहे हैं और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए लग रहे हैं। अब दीपा के पास 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? यदि हम लोग पत्रों की बात करें, पहले पत्र है, चलिए पत्र की बात करते हैं। पत्र क्रमशः कैसे कैसे हैं? तो 20 ग्राम और 35 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए जो है उसे कितना देना होगा और 35 ग्राम के लिए कितना देना होगा? 35 ग्राम के लिए उसे कितना देना होगा? तो 20 ग्राम के लिए कितना चार्ज है? 5 रुपए। और 35 ग्राम के लिए, तो 35 ग्राम की अगर बात की जाए तो 20 ग्राम से अतिरिक्त भार हो तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपए, लेकिन 15 ग्राम अलग से है तो इसके लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 7 रुपए। तो कुल मिलाकर यदि पत्र की बात की जाए तो 5 रुपए और 7 रुपए, 12 रुपए जो है उसे पत्र के लिए देने पड़ेंगे। लेकिन जब पार्सल की बात की जाए तो पार्सल जो है वो 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के हैं। तो 250 ग्राम के लिए आपके पास यहां पर दिया गया 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपए और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए। तो यहां अगर 250 ग्राम है तो 50 ग्राम के लिए तो उसे 5 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए प्रति 50 ग्राम। तो यहां पर आप देखेंगे 200 ग्राम जो है अतिरिक्त है, तो 50 से भाग देने पर 4 मिलेगा और 4 से जब 3 को गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, यानी कि 250 ग्राम के लिए उसे कितने देने होंगे? 17 रुपए। इसी प्रकार अगर 300 ग्राम की बात करें तो 50 ग्राम के लिए 5 रुपए और अतिरिक्त 250 ग्राम के लिए, तो 50 × 5 होता है 250 ग्राम, तो 5 × 3 = 15 रुपए अलग से उसे लगेंगे। तो 15 × 5 = 20 रुपए। तो कुल उसे जो देने हैं वो कितने देने पड़ेंगे? तो 20 रुपए जोड़ 17 और 12, तो 49 रुपए जो है उसे पे करना होगा आपको इन सब के लिए। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम 2100, यहां पर या हो गया है, यहां ये है ग्राम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो इन सबको पहले क्या कीजिए, आप इस सबको ग्राम में बदल लीजिए। 5.3 किलोग्राम कहने का मतलब है 5 किलोग्राम 5000 और 3.3 मतलब कि 300, तो 5300 ग्राम। इसी प्रकार 2100 ग्राम और काजू है 2.2 किलोग्राम, तो ये हो गया 2200 ग्राम। अब इनको जब जोड़ते हैं हम लोग तो हमें मिलता है
3, 2, 5 और 1, 6, 5, 2, 7 और 2, 9 9600 ग्राम का मिश्रण बन गया। अब इन्हें दो दर्जन पैकेट में भरना है। दो दर्जन कहने का मतलब कि 24 पैकेट्स बनाने हैं, तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? तो आप क्या कीजिए कि 9600 को 24 से भाग दे दीजिए, तो 24 × 48 = 96, यानी कि 4 बार में 96 00, ऊपर से जीरो उतरा भाग नहीं लगने पर जीरो, तो 400 ग्राम का प्रत्येक पैकेट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है, कैपेसिटी क्या है? अगर हम मान ले कि यह बीकर है और इसे ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीकर के 3/7 भाग में पानी है। अगर हम मान ले कि यहाँ ये जो भाग है वह है 3/7 और इसमें जो है पानी आपका भरा हुआ है, अब इसे पूरी तरह से भरने के लिए 16 लीटर पानी की और आवश्यकता है, तो हम पहले देखते हैं कि कितना भाग खाली रह गया है। तो खाली भाग जो है वह आपका कितना है, तो खाली भाग निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि पूरे को आप एक मान लेंगे और उसमें से जो 3/7 आपका भरा हुआ है उसे आप घटा देंगे, तो एलसीएम हो गया 7, 7 - 3, 4/7 जो है आपका खाली है। यह आपका खाली है और इसे भरने के लिए कितने लीटर की आवश्यकता है, 16 लीटर की। तो हम कह सकते हैं कि 4/7 भाग भरने के लिए कितने लीटर की आवश्यकता है, 16 लीटर की। तो एक भाग भरने के लिए 7 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो 4 × 16 = 28। तो बीकर की धारिता जो है यानी कि कैपेसिटी है वह है 28 लीटर। ऑप्शन में आपका जो है बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यह बाइनरी नंबर से दिया गया है। कहा जा रहा है कि 11011 और बेस 2 है इक्वल टू, जब इसे हम डेसिमल नंबर में लिखेंगे, बेस 10 कहने का मतलब है कि डेसिमल नंबर में आपको लिखना है, तो डेसिमल नंबर में इसका वैल्यू कितना होगा। बाइनरी नंबर को पहले हम लोग समझते होता क्या है, कंप्यूटर जो है वो दो ही अंकों को समझता है, 0 और 1, लेकिन हम 10 अंकों से जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो लिख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कुल मिलाकर 10 अंक हुए, 10 नंबर, तो इन्हें हम कहते हैं डेसिमल नंबर। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर जो है दो ही नंबर को समझता है, 0 और 1, जितने भी कोडिंग डिकोडिंग होते हैं तो उसमें हम लोग 0 और 1 को ही कंप्यूटर की भाषा में जानते हैं। अब इन्हें हमें लिखना है डेसिमल नंबर में, तो लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप दाहिने तरफ से लिखना शुरू कीजिए, 1, इसके बाद है 2, डबल करते जाना है, तो 1 का डबल हुआ 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 64, इसी तरह 128, और भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 11011, आप यहाँ लिख सकते हैं 1, इसे कलर चेंज कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ लिखा जाएगा 1, इस नंबर को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, फिर 1, 0, 1 और 1। जब आप देखेंगे कि 1 इसके ऊपर में कौन सी संख्या है, तो यह है आपका 16, इस 1 के ऊपर में 8, इस 0 के ऊपर वाले संख्या को नहीं लेना है, फिर 1 के ऊपर 2 और 1 इस 1 के ऊपर 1, अब इन चारों को ऐड कर देना है, 16, 8, 24 + 2, 26 और 1, 27, तो आपका जो सही आंसर होगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी। तो बाइनरी नंबर को कभी भी हमें चेंज करना हो डेसिमल नंबर में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको दाहिने तरफ से क्या करना है कि 1, 2, 4, 8 डबल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो भी नंबर दिया जाए आपको बाइनरी नंबर, उसको क्या करना है कि उसके नीचे लिख लीजिए या ऊपर लिख लीजिए, जहां जहां 1 आ रहा है उस नंबर को ऐड करना है, 0 वाले नंबर को ऐड नहीं करना है। आप इस तरह से जो भी नंबर मिलेंगे उसको ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा वही होगा डेसिमल नंबर। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 72 × 28 इक्वल टू, बीच में जो इक्वल टू का साइन है वो आपका प्रिंट नहीं हो पाया बाय मिस्टेक। तो प्रश्न आपके सामने ये है और इनटू डैश डैश यानी कि रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। पहले आप कह सकते हैं 72, यहाँ 36 है तो 36 × 2, यहाँ से हमने 36 क्यों अलग कर लिया, ये 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर आपका 28, यहाँ पर 4 है तो क्या इससे भी अलग किया जा सकता है 4 को, तो 4 × 7। अब देखिए 4 से 4 भी कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ, ये 36 से 36 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या तो 2 × 7, यही जो संख्या होगी वो कहाँ होगी, रिक्त स्थान पर। तो अब रिक्त स्थान पर जो संख्या है उसके बारे में आपका स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है वो आप इसे गौर से देखिए। 7 का गुणज है तो सही है, जो 2 × 7 हम करेंगे तो 14 मिलेगा, यह 7 का गुणज है तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। एक अभाज्य संख्या है तो नहीं, अभाज्य संख्या तो नहीं है क्योंकि 14 जो है वह भाज्य है प्राइम, तो ये आपका गलत। 10 से कम है, नहीं 14 है तो 10 से क्या है अधिक है, तो यह भी गलत। इसी प्रकार एक सम संख्या है, चौथा ऑप्शन सम संख्या है, तो 14 क्या है सम संख्या यानी कि इवेन नंबर, ऑप्शन डी भी सही। 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड, 14 × 56 यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन कौन कौन है, ए डी और ई। अब यहाँ प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही है आपका ए डी ई। अब इनमें कौन सा ऑप्शन है, ए डी ई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, 11,111 या 10,000, 10 सैकड़ा, 10 दहाई। तो इन सब प्रश्न को हल करने का सबसे सही तरीका है कि आप इसे नंबर में लिख लें, 11,000, फिर है 1100, तो इसे भी हम जब नंबर में लिखेंगे तो 1100 ठीक नीचे आप लिखते जाइए और इनको ऐड कर दीजिए, और 11। अब जब इसे आप ऐड करेंगे तो 1, 1, 1, 1 और 1, 2, 1, 12,111 आपका जो है सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। इस तरह के प्रश्न को आसानी से आप हल कीजिएगा, और अगर आपने नंबर में लिख लिया तो आपको कभी भी गलती होने की संभावना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बाय मिस्टेक आ गया। अब यहां ए और बी को किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ए से बी तक की दूरी को जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको देखना होगा कि हर एक बिंदु, दो बिंदु को जो है कितने से दर्शाया जा रहा है। आप यहां से देखिए कि 25,000 है और यहां 39,000 है, कितने डॉट को हमने पार किया, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बिंदु है यानी कि 7 भाग में होगा ये, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6 और 7। तो 7 भाग को जो दिखाया जा रहा है आपको कितने से दिखाया जा रहा है, तो 39,000 में से आपको 25,000 को घटा देना है, तो घटाने पर आपको मिलता है
14,000। तो सात भाग को, सात भाग बराबर है 14,000, तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा 14,000 भागा 7, यानी कि 2,000। अब ए से बी तक की दूरी को निकालना है आपको, तो ए से बी तक की दूरी यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 हिस्सों में बटा हुआ है, तो जो वैल्यू होगा 11 × 2,000 22,000 जो है आपका सही आंसर होगा। तो 22,000 आपके पास है ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका सही आंसर है। तो आप आसानी से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो दिया हुआ है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि जो एक भाग है उसका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। अब दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 रुपये के 200 पैकेट है, तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जीरो को आप साइड कीजिए, 250 × 500 और दो जीरो हमने बैठा दिया, तो यह वैल्यू जो आया 50,000। अगला है कि 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, 250 रुपये के 20 दर्जन, तो 20 दर्जन कहने का क्या मतलब हुआ कि 20 × 12, तो 12 × 24 240, तो इसे हम 240 से गुना करेंगे। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 250 × 200 और 250 × 24, तो ये क्लियर वैल्यू ये अधिक होगा। चलिए हल कर लेते हैं। तो आप इसे दोनों जीरो को साइड कर दीजिए, 24 × 25, तो 24 × 25 120 जीरो, 12 × 24 × 48 तो 50 × 10 = 60, यह जो वैल्यू आएगा आपका 60,000 आएगा। तो वैल्यू कौन सा अधिक हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो कि दिया गया है ऑप्शन डी में, ये 2 है, तो डी आपका ऑप्शन सही होगा, वैल्यू जो होगा दूसरे वाले का अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 − 1 + 1 − 1 + 1, इस तरह से सीरीज एक दिया गया है का सम संख्यक पदों तक योग है। सम संख्यक कहने का मतलब कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, दो टर्म रहे, चार टर्म, छह टर्म, आठ, दस। अब यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि अगर हम लोग दो टर्म की बात करें, 1 − 1, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। तो इस दो टर्म का यानी कि सम संख्यक पद की बात की जा रही है, तो दो टर्म का हम लोग लेते हैं एक छोटा सा वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा 0। इसी प्रकार आप अगले दो टर्म की बात करें तो इसका जो वैल्यू भी होगा वो भी होगा 0। तो जब भी आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा। तो इन सब का जो योग होगा वह होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसको आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम दिए गए हैं। प्रति किलोग्राम का रेट जो है दिया गया है, खरबूजा 18.50, चेरी 72 रुपीज़ पर केजी, अंगूर 120.60 और सेब 78.40। अब रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और वह 1/3/4 किलोग्राम सेब खरीदा। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। तो चलिए हम लोग सबका वैल्यू निकालते हैं। यदि अगर 18.5 रुपये किलो खरबूजा है तो 4.5 किलो का यानी कि 4.5 kg का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4.5 × 18.5। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार 1 किलोग्राम 200 ग्राम, तो हम इसे कह सकते हैं कि 1.2 kg और कैसे है तो 72 रुपये kg।
इसी प्रकार 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को आप लिख सकते हैं 0.250 kg। और कैसे है अंगूर, तो 120 रुपए 60 पैसे। और आखिरी में अंगूर और इतना किलोग्राम सेब, यानी कि 1/3/4। तो 1/3/4 कहने का मतलब है 1 किलोग्राम और 750 ग्राम, तो 1.750 kg और 78 रुपए 40 पैसे। अब इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ का मतलब ही होता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जो है आपको हर एक आइटम का जो है वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसे हम थोड़ा आसान तरीके से हल करने का कोशिश करते हैं। 4.5 kg कहने का मतलब हो गया कि 9, हम इसे कर सकते हैं 45/10 इंटू 18.50। तो यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, 5 से 9 बारवे 45, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। अब इसे हम 2 से काट देते हैं, तो 2 9 18.25। अब 9 से गुना कर देना है, तो 9 5 45, 9 × 9.25, तो 9 5 45 की 5, हाथ में 4 9 2 18 4 22 की 2, हाथ में 2, और 9 9 81 और 2 83, 83 रुपए 25 पैसे खरबूजा का मूल्य हुआ। अब इसी प्रकार जब इसे हम हल करेंगे तो 1.2, तो 12/10 और इंटू 72। अब इसे आप 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से गुना करने पर 12 × 24 की 4, हाथ में 2, 12 × 7 = 84, 84 × 2 = 86, और बाई 10 तो यहाँ 10 बैठ जाएगा 86.40। इसी प्रकार जब इसकी बात करेंगे हम, तो 250 ग्राम यानी कि 1/4 किलो, 1/4 और गुने 120.60। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 × 12 = 10.15, 30 रुपए 15 पैसे। यह हो गया अंगूर का मूल्य। इसी प्रकार जब इसे हल करेंगे हम, तो 1.750, तो हम इसे डायरेक्ट 1 3/4, तो 4 × 4 = 7 और बटा 4, 7/4 और गुने 78.4। 4 से आप इसे डिवाइड कीजिए, तो 4 से भाग देने पर 4 × 4 = 4, 4 × 9 = 36, अब यहाँ बच गया 2, 24, 4 × 6 = 24, 1 सेकेंड। चार से काटा हमने, तो 4 × 4 बच गया 3, 3 × 8 हो गया 38, तो 4 × 9 = 36 बच गया यहाँ 2, 2 × 4 = 24, तो 10 यहाँ बैठ गया, 4 × 6 = 24 और 0। अब इसे 7 से गुना कर देना है सिंपल, तो 7 × 0 = 0, 7 × 6 = 42 की 2, हाथ में 4, 7 × 9 = 63, 63 × 4 = 67, हाथ में 6 7 6 13। जब आप इसे जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 5 5 10 की 0, हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 7 2 9 और 1 10 की 0, हाथ में 1, 3 6 9 और 1 10 7 17, हाथ में 1, 8 8 16, 16 3 19 19 और 3 22 और 1 23 की 3, हाथ में 2, 2 और 1 3, 337 रुपए जो है इसे सामान खरीदने में लगे। लेकिन दिया कितना था उसने, 500 रुपए का नोट, वापस कितने मिलेंगे, तो 500 रुपए में से आप 337 रुपए को आप घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो 10 में से 7 गया 3, यहां बच गया 9 में से 3 गया 6, 163 रुपए जो है उसे वापस मिलेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान और अंकित मान को लेकर। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, अंकित मान फेस वैल्यू,
इसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था, आप वहाँ से जो है आप अंकित मान और स्थानीय मान का आप हेल्प ले सकते हैं। और भी वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से हमारे ऐप पर जाकर वहाँ सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये हमने खास तौर पे इस एग्ज़ाम को लेकर ये वीडियो बनाया है कि जिसमें किस तरह के पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आगे भी आपको जो है इसी पैटर्न से पूछे जाएंगे। बस आप इस वीडियो को गौर से देखिए और नंबर सिस्टम से जो भी प्रश्न आएंगे इससे हटके नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 29503 में 5 के स्थानीय मान, तो 5 आपका जो है इस स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5, और किस स्थान पर, सैकड़े स्थान पर, यानी कि 100 से गुना कर देना है। लेकिन जब 5 और 7 सॉरी यहाँ पर जो है अगला नंबर दिया गया है 32071। अब इसमें 7 के अंकित मान, 7 के अंकित मान में अंतर, तो 7 का जो अंकित मान होगा, अंकित मान क्या होता है, तो वह नंबर ही होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अब इनका अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए करना क्या है आपको कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। तो 500 में से जब 7 को घटाएंगे हम तो हमें मिलता है 493। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिया गया है आपके पास एक नंबर कि 30028 इक्वल टू 28 इकाई, कहने का मतलब कि 28 जोड़ 28,000, हम इसे नंबर में लिख लेंगे, सारा प्रॉब्लम जो है आपका आसान हो जाएगा। और यहाँ जो दिया जा रहा है दहाई, कितना दहाई होगा इस खाली स्थान पर, क्या होगा, तो चलिए मान लिया जाए कि खाली स्थान पर x है। अब इस x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 30028 और इधर जो वैल्यू मिल रहा है वो आपको 28,028 मिल रहा है, और प्लस x दहाई कहने का मतलब, तो x इंटू 10, इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन के रूल को फॉलो करना है। तो x इंटू 10 इक्वल टू 30028 में से माइनस क्या कर देना है 28,028, तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपको मिलेगा 2000। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 से डिवाइड होने के बाद आपको मिलेगा 200। तो ऑप्शन जो है बी है वही आपका सही आंसर है। तो इस तरह के लॉलीपॉप क्वेश्चन भी रहते हैं, तो इसको आप आसानी से हल कीजिए, आपका नंबर जो है मैथ कंटेंट में बहुत अच्छा आएगा। नंबर सिस्टम के इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी अगले एग्जाम को लेकर अभी और भी बहुत सारे वीडियोज आप तक हम लोग पहुँचाने वाले हैं, सब्सक्राइब करने के बाद वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से, तो 100 का जो आधा होता है वह होता है 50। अब 50 से छोटी है, फिर आगे कहा जा रहा है कि 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई कहने का मतलब 40 और 5 दहाई कहने का मतलब 50। अब इन दोनों के बीच में है। अगला स्टेटमेंट है कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, तो क्लियर है कि दहाई का अंक तो 4 ही होगा और इकाई का अंक इससे एक कम है, तो इससे एक कम कौन है, 3। तो नंबर क्या है आपके पास, 43। पूछा जा रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, क्लियरली 4 जोड़ 3 7 मिल रहा है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, अंकों का गुणनफल, तो अंक तो यही है, गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 × 3 यानी कि 12। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लॉजिकली सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, 10,290 पुस्तकों को क्या करना है, पैक करना है।
यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना होगा? तो चलिए हम देखते हैं कि 10,290 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, जब एक बक्से में 98 पुस्तकें रखी जा सकती है। जब आप इसे 98 से भाग देंगे तो ये लगा आपको एक बार में 98 बज गया 4, 49 नहीं भाग लगने पर 0, 49 0, तो ये 5 बार में कट जाएगा। आपको बक्सों की जरूरत कितनी है? 105 बक्सों की जरूरत पड़ेगी। अब एक बक्से का मूल्य दिया जा रहा है 518 रुपए, तो कुल बक्सों का कुल मूल्य कितना होगा? तो बक्सों का मूल्य जो होगा वह होगा 105 गुने 518। आप इसे जब गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 54,390 रुपए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000, 1,000 और 10 दहाई बराबर है। तो इस तरह का प्रश्न हमने अभी इस वीडियो में किया था पहले भी। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 10,000 आप इसे नंबर में लिख लें, 10,000, 1,000, 1,000 कहने का अर्थ है 1,000, 1,000 तो 10 गुने 100 1,000, 10 दहाई तो 10 दहाई कितना होता है 100। जब इसे हम ऐड करेंगे तो यह होगा 00111, 11,100 के बराबर। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है? तो 11,100 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग क्या है? तो 11 से आप इसे भाग दीजिए, 13 से आप इसे भाग दीजिए और दोनों में देखिए कि शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो 11 से भाग देने पर एक बार में लगा, ऊपर से एक आने पर एक बार में, तो 11 से यहाँ कैंसिल, ऊपर से भाग एक आया तो नहीं भाग लगने पर 0, और 2 आया तो एक बार लगाएंगे 11 से एक बार, यहाँ शेषफल कितना मिल रहा है 1। अब यहाँ देखते हैं 13 से, 13 से हमने लगाया एक बार में, तो 13 से एक बार में कैंसिल, ऊपर से उतरा 2 तो भाग नहीं लगने पर 0, ऊपर से फिर 2 तो 13 से फिर एक बार में, तो 13 9 और ऊपर से उतरा जब 3 तो 13 7 91, यहाँ शेषफल बचा 2। अब दोनों शेषफलों का योग कितना हो जाएगा? तो 1 जोड़ 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान, 6 का स्थानीय मान तो 6 किस स्थान पर है? 1,000 स्थान पर, तो 6,000, और 4 का अंकित मान तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अब पूछा जा रहा है उनका अंतर, तो यहाँ जब अंतर हम निकालेंगे तो यहाँ अंतर बचेगा 6995, 5,996, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी सही आपका आंसर है। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा सही है, कथन कौन सा सही है। पहला, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। कोई भी तीन विषम संख्याओं को आप लीजिए, मान लिया जाए 3 हमने ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, तो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या ही होता है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो गलत है। नेक्स्ट, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। मान लिया जाए हमने ले लिया 5 और एक सम संख्या ले लिया 2 3, तो ये हमेशा हमें विषम संख्या ही मिलेगा, तो सम संख्या कभी नहीं हो सकता है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। अब इसे आप समझिए, दो विषम संख्या, चलिए हमने ले लिया 5 और 7, और एक सम संख्या, कोई भी एक सम संख्या आप ले लीजिए, चलिए मान लिया जाए छोटी ही सम संख्या ले लेते हैं 2,
7, 5, 12 हमें पता है कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होती है, तो जो सम संख्या मिला और उसमें भी आपको क्या सम संख्या ही जोड़ना है, तो दोनों का योग हमेशा क्या होगा सम संख्या होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आप चौथे ऑप्शन को भी देख सकते हैं विथ एग्जांपल, 3 विषम संख्याओं का योगफल 1 सम संख्या होगा, यह कभी हो ही नहीं सकता है। 2 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होगा, लेकिन जब उसमें हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगा, क्योंकि सम संख्या जोड़ विषम संख्या हमेशा विषम संख्या मिलता है। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यही आपका सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, 6251, 6521 और 5621। अब इनमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है, तो 5 के स्थानीय मान, चलिए हर एक नंबर में हम लोग 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। इस नंबर में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 50, इस नंबर में 5 का स्थानीय मान 500, सजा कर लिखा जाए तो जोड़ने में आपको आसानी होगी, और इस 5621 में 5 का स्थानीय मान 5000, जब आप जोड़ेंगे तो 0, 5, 5 और ये 5, 5550 जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल इतने में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि आपको यह संख्या प्राप्त हो। तो नंबर सिस्टम में यह भी देखा गया है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं, इसमें करना क्या है आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है फिर आगे बढ़ना है। तो 1109 × 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें यह प्राप्त हो। तो पहले हम देखते हैं कि इतना को गुना करने पर क्या आएगा, तो चलिए 505 को जब 9 से गुना करेंगे तो 4545 आएगा, तो 4545 का हम लिखते हैं 5 और हाथ में कितना बच गया 454। जब इसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे तो 0 मिल जाएगा और इसे ऐड करेंगे तो 454 का 4 लिखेंगे और बच जाएगा आपके पास कितना 45। अब फिर से 505 को अब 1 से गुना कीजिए तो 505 और जोड़ 45, तो 5, 5, 0 हाथ में 1, 5, 5 ये मिला 550, तो 0 और हाथ में बच गया कितना 55। फिर 505 को 1 से गुना कीजिए तो 505 और 505 जोड़ 55 ये मिल जाएगा 560, तो 560 इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलता है 560045। अब हमें इसमें से क्या घटाना है कि हमें मिले 505050। अब हमें करना क्या है कि इस संख्या में से क्या घटाई जाए कि हमें मिल जाए 505050। तो हम करेंगे क्या कि 560045 में से 505050 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे, तो हमें मिलेगा 5 में से 0 गया 5, यहाँ 14 में से 5 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बच गया 9 में से 5 गया 4 और यहाँ बच गया 5, तो 54995 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह सही है। तो इस प्रकार हमने नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसी पैटर्न के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में आपके साथ सॉल्व किया है। अब करना आपको क्या है कि और भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है कुछ प्रैक्टिस सेट जो है वो पहुंचाएं, तो उसके लिए आप हमारे ऐप पर जो डाउनलोड करके ऐप के ऊपर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे ऐप के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से E2E क्लासेज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियोज भी डाले गए हैं मैथ के और भी वीडियोज आप तक पहुंचाए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।